21 डेज की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चल रही हैं, या फिर आप पीरियड्स को लाने के लिए 5 दिन के मेप्रिड की गोलियां लेते हो, या फिर आपके मेटफॉर्मिन चल रही है, या फिर आपके पीरियड्स जो है वो बिल्कुल नहीं आते, कोई भी डेट फिक्स नहीं है। कुछ कुछ फीमेल्स मेरे पास ऐसी हैं जिनको 1 से 2 साल तक पीरियड्स ही नहीं आए। अगर आपके सिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, आपके मूड स्विंग्स इस तरीके के हैं कि कुछ लोग आपको दुर्गा माता समझते हैं तो कुछ लोग आपको काली माता समझते हैं, आपके मूड स्विंग्स की वजह से आपका जो बिहेवियर इश्यूज है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गलत फैल रहा है, आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा गलत फैल रहा है, आप कभी भी लाउड हो जाते हो, कभी भी प्यार से बात करने लग जाते हो, कभी भी रोने लग जाते हो, कभी भी अचानक से खुश हो जाते हो बहुत छोटी सी चीज़ों को देखकर, आपके चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर है, आपके यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्नेज आ रहे हैं, आपके यहाँ पे जो है ये पूरा वाइट है बट यहाँ का पूरा एरिया ब्लैक होता चला जा रहा है, हेयर थिनिंग है, उसके साथ साथ हेयर फॉल भी है, आपको नींद नहीं आती है, बिल्कुल आप इनपेशेंट रहते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पीरियड्स की जो डेट है वो फिक्स ना होने के साथ साथ आपका फ्लो भी नहीं है पीरियड्स का। इन सब की चीज़ें कहाँ से जुड़ी होती हैं? आपके पीसीओडी से। नमस्ते जी, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी केस, पीसीओडी का डाइट प्लान जिसके थ्रू आप लूज़ करेंगे बहुत ही आराम से 10 किलो। मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने करा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कंसीव भी करा है नेचुरली। अगर आप पीसीओडी पेशेंट है और आपको बोला जा रहा है कि आप IVF करा लो, IUI करा लो, या फिर आपको ट्रीटमेंट ले लो, आप 21 दिन की गोलियों पे आ जाओ अदरवाइज आप कंसीव नहीं कर पाओगे, टोटली रॉन्ग। आज की वीडियो में मेरी ये गारंटी है कि अगर आप बहुत ही तसल्ली से आराम से ये वाला डाइट फॉलो कर लेंगे, आपका आराम से वेट लॉस होगा, आपका पीसीओडी क्योर होगा, आप 45 टू 50 डेज की डाइट के बाद आप अपना स्कैनिंग करा लीजिए, आपकी ओवरीज का साइज 99% कम होकर आएगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ उन फीमेल्स के लिए हैं जो कि पीसीओडी की वजह से हार मान चुकी हैं। मेरा पीसीओडी बहुत मैसिव रहा है, मेरा पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा मैंने केसेस देखे अपनी लाइफ में, मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, मैंने ऑलमोस्ट 48-49 केजीज अपना लूज़ करा है, एंड उसके साथ साथ मैंने अपना वेट मेंटेन भी करा है, सेम मेरे बाकी मेंबर्स के साथ है। एंड आप लोग अगर ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है, नेचुरली क्योर हो सकता है, ये सारा का सारा आपका पुअर लाइफस्टाइल, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ना सोने की वजह से आता है। स्ट्रेस एक मेन कॉज है पीसीओडी का, उसके साथ साथ जैसे ही आपको स्ट्रेस चढ़ेगा आप मीठा खाओगे, आपकी पुअर लाइफस्टाइल होगी, एंड उसका इक्वल टू कहाँ आता है? आपका पीसीओडी। आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, फ्लो अच्छे से नहीं निकलेगा, इक्वल टू बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पीरियड्स का फ्लो अच्छे से ना निकलने की वजह से आपका हेयर लॉस और हेयर थिनिंग होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपका लोअर बेली का फैट इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि लोग आपको प्रेग्नेंट तक बोलने लग जाएंगे, आपका गुस्सा नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, आपके पूरा चिन एरिया एक्ने से भरेगा और अनवांटेड हेयर से भरेगा, धीरे 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 आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई जाएगा कि यू लुक लाइक अ मैन थोड़े टाइम के बाद, और आपको गुस्सा आएगा, आप बिल्कुल ही मैन की तरह घूमोगे। क्योर क्या है? लाइफस्टाइल एंड मेरी ये डाइट। तो ये जो डाइट है इसको बताने से पहले और इसको समझाने से पहले 5 या 6 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कैरी करनी है, और उसके साथ साथ आपको बस ये करना है कि दुनिया जाए भाड़ में, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा लाइफस्टाइल मैटर करता है, उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। आप मैरिड हो, आप वाइफ हो, आप बहू हो, आप कहीं डॉटर हो, आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, सब चीज़ें आप साइड कर दो, सबसे पहले आप हो, आप ठीक हो तभी सारी चीज़ें ठीक हैं, करेक्ट। तो ये जो रूल है, सबसे पहली चीज़ है आपने अपना वेट चेक करना है एवरी सिंगल डे, कुछ भी हो जाए सवेरे उठ के सबसे पहले आपने अपना वेट चेक करना है, उससे आपको एक टिक मार्क रहेगा कि आप जो कर रहे हो आप लाइन पे तो चल रहे हो, बिल्कुल ठीक तो चल रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं वेट चेक नहीं करना चाहिए, उससे स्ट्रेस आता है, वाटर वेट होता है, खाने के बाद होता है, वेट फ्लक्चुएट भी करता है, करेक्ट, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। नंबर 2, आपका नींद। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं है आप दिन में नैप ले लो, बट आपको टोटल दिन की 7 से 8 घंटे की नींद को कैरी करना ही करना है। नंबर 3, आपके मील्स के टाइमिंग। आप कोई भी मील स्किप नहीं करोगे, एक एक मील का टाइमिंग्स जो है आपको कैरी करना ही करना है। फॉर एग्जांपल लोग क्या स्किप करते हैं, मैक्सिमम नाइट ड्रिंक स्किप करते हैं, मिड ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, इवनिंग टी स्किप करते हैं, ये तीनों चीज़ें स्किप करते हैं इक्वल टू भूख बहुत ज़्यादा लगती है एंड ओवर ईटिंग होती है, एंड लंबा टाइम का गैप आपकी डाइट का पूरा सत्यानाश करता है।
नंबर फोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है। जिसको जो बोलना है खुले में मुंह पे बोल के आ जाओ, सामने वाले को स्ट्रेस दे दो, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। मुझे किसी को गाली देनी होती है, मैं मुंह पे दे के आ जाती हूँ, कम से कम मेरा ब्यूटी तो खराब ना हो ना और मैं तो स्ट्रेस फ्री रहूँ। तो सेम आपको ये रूल फॉलो करना है, इसमें कोई गलत नहीं आज के टाइम पे, आज के टाइम में कोई किसी के साथ सही नहीं कर रहा। अगर आपको किसी को गाली देनी है, आप मुंह पे दो और सामने से निकल आओ, कोई जरूरत नहीं अपने दिमाग पे लोड लेने की। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप डाइट पे हो या आप कुछ अपने लिए स्पेशल कर रहे हो। चुपचाप आराम से अपनी गेम खेलो, वेट लॉस करो और उसके बाद दुनिया को बताओ। आज से ज्यादा लोग तो टोक और तमाशे बचाने में आ जाते हैं, ओ माय गॉड ये डाइट पे है, ये कुछ खाती नहीं है, ये मर जाएगी, बहुत फैट है शरीर के अंदर, 20 दिन भी खाना नहीं मिलेगा ना तब भी शरीर सर्वाइव कर लेगा, बहुत ठूस के खा रखा है। अब बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की और चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। कितने बजे, ये विंटर्स का डाइट है, 8 बजे तक उठना अपनी नींद पूरी करके। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। ओके, सो ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है मेरा सोख किया हुआ अजवाइन का पानी। रात भर हमने जस्ट इतना सा अजवाइन, आधा चम्मच इतना अजवाइन एक गिलास पानी में सोख करा था, अब मॉर्निंग में उठ के इसको स्ट्रेन करके छान के हम पियेंगे। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है आपके लिए सिनेमन पानी, एक स्टिक सिनेमन का एक गिलास पानी में सोख करके रखा है, सुबह उठ के इसको हम हल्का गर्म करेंगे, छानेंगे और इसको हम पी लेंगे। सो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक, अब हम बात करते हैं जी ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी यहाँ पे स्टफ पराठे, सर्दियाँ हैं पराठे के बिना गुजारा नहीं चलेगा ना, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा मटर का पराठा। सीजन में है मटर यार। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। नाउ ब्रेकफास्ट में ये जो मैंने आटा लिया है ये है जौ और ज्वार का, इक्वल क्वांटिटी में हमने गर्म पानी से गूंदा हुआ है इसको। आप जौ और ज्वार का, मक्की का, बाजरे का, किसी का भी आटा ले सकते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे हमारे मटर का स्टफ रोटी। सो ये जो मटर है ये मार्केट में इस समय बहुत आराम से आ रहे हैं, इसको मैंने 5 मिनट के लिए, जब तक मैं आटा गूंद रही थी, हमने ये गर्म पानी में सोक करा है। 2 से 3 चम्मच लगेंगे आपको ये मटर एक पराठे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन। नेक्स्ट थोड़ा सा हमारा धनिया पाउडर। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा मटर, मैश कर दिया हमने इसको। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफ रोटी। ओके, अब हम इसे सेकेंगे बहुत अच्छे से बिना घी का। हमने बनाई है स्टफ रोटी। ओके एंड इट्स रेडी। ओके जी, सो हियर वी गो, हमारा स्टफ मटर का पराठा, साथ में कोई भी हमारी होममेड चटनी। इस समय मेरे पास घर में पड़ी थी मेरी कोकोनट की चटनी, तो मैंने ये ले ली और साथ में मेरा पराठा। और उसके साथ हम कोई मिल्क टी नहीं लेंगे, हम लेंगे ग्रीन टी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर PCOD। अगर मान लो आपको मटर का पराठा नहीं खाना, मेरे चैनल पे बहुत सारी मल्टीग्रीन रोटीज़ हैं, आप कोई भी रोटी बनाओ और खा सकते हो। हाई प्रोटीन सैंडविचेस हैं, आप सैंडविचेस ले सकते हो। अगर आपको ये भी खाने का मन नहीं है, किनुआ का सैलड है, रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन फाइबर्स, बहुत सारी सब्जियां, आप किनुआ सैलड ले सकते हो। आपको ये सारे ऑप्शंस कैरी करने हैं अपनी डाइट के अंदर इन विंटर्स। मक्की की रोटी, सरसों का साग, बाजरा की रोटी, साग, मेथी, सब ऐड करने हैं अपनी डाइट के अंदर, सब कुछ। ये सारे ऑप्शंस हैं। जितनी लीवी वेजिटेबल्स आप खाओगे ना, आयरन लोगे, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें ठीक होंगी, उतना ज़्यादा अच्छे से आपके बाल भी बचेंगे, स्किन भी ठीक होगी और उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होगा और कॉन्स्टिपेशन भी हटेगा। सेकेंड हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में हम क्या लेंगे, शतावरी की टी, उसके साथ हम लेंगे कोई भी एक सीजनल फ्रूट। मैंने बहुत सारी पिछले 6 महीने से अपनी वीडियोस में बात की है शतावरी की। आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को ठीक रखने के लिए, आपके मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए और आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए शतावरी इज दी बेस्ट, मुझे लगता है दी बेस्ट। सो ये रहा हमारा मिड ब्रेकफास्ट। हमारे पास कोई भी सीजनल फ्रूट चाहिए, यहाँ पे मेरे पास रामफल है, बहुत अच्छे से मार्केट में मिल रहा है इस समय, साथ में मैंने लिया है चीकू। आप कोई भी फ्रूट्स जो भी सीजन में आपको मिल रहा है उसका मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया मेरी शतावरी की टी, इसका जो डिस्क्रिप्शन वीडियो है मैं लिंक में डाल दूंगी। ये देखो, ये रहे शतावरी के रूट्स और ये है हमारी शतावरी की टी। तो शतावरी की टी, शतावरी की पूरी डिटेल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम शतावरी की टी लेंगे विद एनी फ्रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच के अंदर सीजन में आए हुए शलगम, बनाते हैं शलगम का भरता।
ओके नेक्स्ट, अब हम लंच में बनाने जा रहे हैं शलगम का भरता। शलगम मैंने बॉईल कर लिया है, 2 छोटे शलगम मुझे मंडी में मिले थे और इसका भरता बनेगा यम। सो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया हल्का सा ऑयल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो रहा है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे प्याज। ओके, जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ में डालेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे हल्की सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, सूखा धनिया पाउडर। अब हम इन सबको करेंगे मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को इसके साथ पकने देंगे। अब इसके अंदर हम हमारा मैश किया हुआ डालेंगे शलगम। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये रहे और अब ये बिल्कुल रेडी है। ओके जी, सो ये रही हमारी शलगम की सब्जी और ये रहा हमारा लंच। अगर आपको शलगम का भरता नहीं खाना तो यहाँ पे बहुत सारी चना सैलेड है मेरे चैनल पे ना। हमारे पास राजमा का सैलेड है, ब्लैक चना का सैलेड है, वाइट चना का सैलेड है, दाल का सैलेड है। बेसिकली लंच में आपने प्रोटीन्स को कैरी करना है, जितना हो सके आप प्रोटीन्स कैरी करोगे। आप मेरे चैनल पे तोफू का सैलेड है, पनीर का सैलेड है, कोई भी सैलेड आप पिक करो, मेक श्योर उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए एंड वो हम लंच में कैरी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट की। अगर आपको फास्ट वेट लॉस चाहिए ना, क्विक टिप, लंच से सॉल्ट हटा दो अगर आप कैरी कर सकते हो तो। अगर बीपी लो का प्रॉब्लम है तब मत हटाना यार, फिर मुझे ही बोलोगे यार मेरा बीपी लो हो गया, कमेंट में सारे पढ़ती हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। ना इवनिंग टी के अंदर ना हम लेंगे इंच लॉस टी। मेरे चैनल पे बहुत सारी पील टीज इंच लॉस टी है। ये सारी की सारी आपके बेली के फैट पे काम करती है, आपके लव एंगल्स पे काम करती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो स्टमक बलून हो जाता है ना शाम तक ऐसे गुब्बारा बन के बाहर आता है, ये उस पर काम करती है। सो इनके साथ साथ हम लेंगे सोक्ड नट्स। कोई भी सोक्ड किए हुए नट्स ले लो आप ना अपने साथ, वॉलनट्स, आलमंड्स, किशमिश ये आप ले सकते हो अगर ये भी लेने का मन नहीं है। साथ में आप लेंगे सीड मिक्स। सीड मिक्स बोले तो पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड्स, इन सबको अच्छे से मिक्सचर बनाओ और ये हम इवनिंग में लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी डिनर की। ना डिनर है, सर्दियां हैं, सूप ना मिले वो भी कैल्शियम रिच सूप। कैल्शियम कहाँ से आएगा जी, रागी से। चलते हैं किचन में और बनाते हैं वेजीज एंड रागी का सूप। नेक्स्ट अब हम बना रहे हैं रागी एंड वेजिटेबल्स का सूप। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास पैन है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा गर्म पानी ताकि वो जल्दी बन जाए। सबसे पहले इस उबलते पानी में हम डालेंगे प्याज। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे बीन्स, फिर हम डालेंगे हमारी शिमला मिर्ची। ये मैंने 2 चम्मच जितना रागी लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। इसको हम पेस्ट बनाएंगे बहुत अच्छे से। ये मैंने लिया है गर्म पानी, अब इसके अंदर मैं और पानी ऐड करूँगी। सो ये बन गया हमारा ऐसे कंसिस्टेंसी में एकदम लिक्विडी लिक्विडी सा। अभी हम डालेंगे हमारे सूप में। ये हमारी वेजिटेबल्स जो बॉईल हो रही हैं इसके अंदर हम ये डाल देंगे हमारा रागी का मिक्सचर। और अब ये जैसे सूप होते हैं ना थिक कंसिस्टेंसी में, ये बिल्कुल वैसे बनेगा, बिल्कुल वैसे। इसको उबलने देंगे हम बहुत अच्छे से, बट इसमें थोड़े से नमक डाल देंगे। इसके अंदर मैं डाल दूँ हल्का सा नमक। अब इस सूप के अंदर हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा टोफू। इसको हम उबालेंगे 5 मिनट के लिए सिम आंच पे एंड देन इट्स रेडी। ओके सो नाउ लेट्स सर्व दिस। एंड द सूप इज रेडी। वेलकम जी। अब ये सूप पीने का अगर मन नहीं है, रोज़ रोज़ तो नहीं पिया जाएगा ना, कोई बात नहीं, ये सूप पीने का मन नहीं है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज़ है, आप ये पिक कर सकते हैं। साथ में आपको भूख लगेगी तो 50 ग्राम्स ऑफ टोफू या 1 या 2 अंडे उबले हुए आप ले सकते हो विद योक। अगर आपको ये सब लेने का मन नहीं है कोई बात नहीं, इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी डेयरी फ्री
बिल्कुल डेयरी फ्री शीराज की रेसिपीज है। बेसन शीरा है, रागी का शीरा है, कुछ मीठा खाने का कभी कभार मन करता है ना, मूंग दाल एंड मखाना का शीरा, आप इनमें से कोई भी पिक करें एंड अपनी डाइट में रात को लें। कोजी कोजी नाइट्स में आप अपना ये मीठा मीठा खाओ और उसके बाद नींद बड़ी तगड़ी आएगी। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक में क्या लेना है, चलते हैं किचन में। ओके, ये रहा हमारा एक तेज पत्ता, ये बनाई गई हमारी नाइट ड्रिंक। सो ये रहा पानी उबल रहा है, एक तेज पत्ता अंदर गया और अब हम इसको उबालेंगे जब तक ये एक कप हो जाएगा, छानेंगे फिर इसको। ओके जी, सो हियर वी गो, हमारा तेज पत्ता टी बिल्कुल रेडी है। ये है पूरा का पूरा मेरा प्लान एंड इसको हम फॉलो करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इफ़ यू कैन फॉलो दिस फॉर 45 डेज, ट्रस्ट मी यू विल लूज ऑलमोस्ट 10 kgs बहुत ही आराम से, और अचानक से आपको इस डाइट के बाद पीरियड्स आ सकते हैं, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे अचानक से आ सकते हैं एंड माइट भी बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स भी आ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमने अजवाइन का पानी पीना है। मेफ्टाल प्लस करके कोई टैबलेट्स आती है वो वाली टैबलेट खानी है, वो कोई टैबलेट नहीं खानी, फिर अगले पीरियड्स में फिर फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा साइकिल है एंड जितनी भी फीमेल्स हैं जो मेरी तरह कभी पहले सोचती थी मैं कि भैया मेरा पीरियड्स कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, हम कभी वेट लॉस नहीं कर सकते, हम कभी अपनी लाइफ में ठीक नहीं कर सकते, मैं ऐसी हूँ, मेरा बॉडी ख़राब है, मेरा मेटाबॉलिक रेट ख़राब है, मेरा जेनेटिक ऐसा है, मेरे घर में सारे मोटे हैं, सब बहाने, बाहर निकलो, थोड़ा सा देखो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप कर सकते हो, मेरी जैसी फुद्दू बच्चा कर सकता है, आप भी कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली एंड आई लव यू ऑल एंड या बाय बाय।